सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया है। अमेरिकी न्यूज़ आउटलेट पॉलिटिको में छपी रिपोर्ट के मुताबिक MBS ने अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों से कहा कि वो अमेरिका और इसराइल के साथ एक बड़ी डील कर अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, जिसमें सऊदी का इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाना भी शामिल है। पॉलिटिको के अनुसार एक मौके पर MBS ने मिस्र के नेता अनवर सादात की तरह अपना हाल होने को लेकर चिंता जताई। दरअसल इसराइल के साथ शांति समझौता करने के बाद सादात की हत्या कर दी गई थी। प्रिंस ने सवाल किया कि आखिर अमेरिका ने अनवर सादात की रक्षा के लिए क्या किया। MBS ने अपने सामने आने वाले खतरों पर चर्चा की और बताया कि आखिर किसी भी समझौते में फिलिस्तीनी देश के लिए एक अपरिवर्तनीय रास्ता क्यों शामिल होना चाहिए, खासकर अब जब गाजा में युद्ध ने इसराइल के प्रति अरबों के गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। रिपोर्ट में एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी और बातचीत की जानकारी रखने वाले दो लोगों का हवाला दिया गया है। सूत्रों ने यह भी कहा कि बातचीत से लगता है कि प्रिंस सलमान खतरे से वाकिफ होने के बावजूद अमेरिका और इसराइल के साथ मेगा डील करने के इच्छुक दिखाई देते हैं। वो इसे सऊदी अरब के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। काफ़ी हद तक गुप्त और अभी भी विकसित हो रहे इस समझौते के बारे में कई रिपोर्ट सामने आती रही हैं। इसमें सऊदी के प्रति कई अमेरिकी प्रतिबद्धताएं शामिल हैं, जैसे एक संधि के जरिए सुरक्षा गारंटी, नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर सहायता और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में आर्थिक निवेश। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब चीन के साथ अपने लेन देन को सीमित कर देगा। ये इसराइल के साथ राजनयिक और अन्य संबंध भी स्थापित करेगा। मुस्लिम देशों के बीच सऊदी के महत्व को देखते हुए ये डील इजरायलियों के लिए एक वरदान होगी। रिपोर्ट यह भी कहती है कि MBS की नाराजगी के बावजूद इजरायली सरकार समझौते में फिलिस्तीनी देश के लिए एक रास्ता बनाने के लिए तैयार नहीं है। गाजा में इजरायल के हमले के बीच इस साल की शुरुआत में सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा कि उसका रुख यह है कि इजरायल के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं होंगे, जब तक इसराइल 1967 की सीमाओं के साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश को मान्यता नहीं दे देता। इससे पहले व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा था कि बाइडेन प्रशासन को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है कि सऊदी अरब और इसराइल सामान्यीकरण पर बातचीत के इच्छुक हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।